हाँ जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल? आप सब लोग बढ़िया और बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो टाइटल में आप लोगों ने देखा है कि इस एनडीए एग्जाम के अंदर क्या करियर ग्रोथ है। अगर हम बात करें आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, तो तीनों के अंदर क्या सैलरी है और क्या करियर ग्रोथ है, ये एक बार हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। और जो लोग नहीं जानते एनडीए एग्जाम क्या है, किस प्रकार से, तो उनके लिए शुरू का एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे देखने पे सामने दिख रहा होगा, स्लाइड में क्या दिख रहा है सर? स्लाइड में दिख रहा है हम लोगों को कि एनडीए एक ऑफिसर लेवल एंट्री एग्ज़ाम है जिसको नेशनल डिफेंस एकेडमी कंडक्ट कराता है। और ये पूरा का पूरा जो एक तरीका है ट्वेल्थ के बाद इंडियन आर्म फोर्सेज में जाने का, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें इसके अंदर आपको तीन तरह की पोस्ट मिलती हैं, चाहे इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, इस बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो ट्वेल्थ के बाद ही इतना बड़ा एग्ज़ाम मिलने का जो सुनहरा अवसर मिलता है, बहुत बहुत प्राइड वाली बात है कि हम जस्ट ट्वेल्थ के बाद ही ऑफिसर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, वरना हमें ऑफिसर लेवल तक एंट्रीज देते हैं। तो एग्ज़ाम ये साल में दो बार होता है। और अब हम सीधा सीधा बात करेंगे इसके बारे में जो हमारा वीडियो का टाइटल है। क्या है वीडियो का टाइटल? कि इसमें करियर ग्रोथ क्या है, प्रमोशन क्या है और सैलरीज किस अकॉर्डिंग कैसे जाती है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें आपको तीन रो और कॉलम दिख रहे होंगे, तीन कॉलम दिख रहे होंगे, रोज तो कई सारी हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको ये सैलरी और प्रमोशन ग्रोथ है। यहाँ पर आप आर्मी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नेवी देख पा रहे होंगे और एयरफोर्स देख पा रहे होंगे। तो जब एनडीए एग्ज़ाम को आप ज्वाइन करते हैं तो आप एज अ लेफ्टिनेंट, आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, एज अ लेफ्टिनेंट, ठीक है, आज आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं इस एग्ज़ाम को। देखिए उसके बाद जो प्रमोशन होता है कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक होता है। आगे भी फर्दर प्रमोशन है, मैंने यहाँ तक आपके सामने रखा है। और जो सैलरीज आप देख पा रहे हैं 56,000 से लेकर 1,77,500 तक इसकी सैलरी, और ये पर मंथ होती है। और सैलरी में इंक्रीमेंट आप देखते जा रहे हैं, यानी मैक्सिमम सैलरी जो जा रही है 2,18,200 प्रति माह तक भी इसके अंदर जाती है। जो नेवी वाले स्टूडेंट हैं जो नेवी में जाएंगे, वो सब लेफ्टिनेंट, सब लुटिनेंट, लुटिनेंट, लुटिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर और रियल एडमिरल तक जाते हैं। एयरफोर्स वालों की बात करें तो आपने सुना होगा फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, तो ये उनकी स्टार्टिंग पोस्ट होती है फ्लाइंग ऑफिसर। जैसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट या लुटिनेंट या सब लेफ्टिनेंट या सब लुटिनेंट, एयरफोर्स में पहली पोस्ट फ्लाइंग ऑफिसर होती है। उसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग लुटिनेंट होता है, स्क्वाड्रन लीडर होता है, विंग कमांडर, आपने कई बार कई मूवीज़ में भी नाम सुना होगा, तो वो फोर्थ प्रमोशन है एयरफोर्स के बाद, विंग कमांडर। उसके बाद ग्रुप कैप्टन होता है, एयर कॉमोडोर होता है और एयर वाइस मार्शल होता है। सैलरीज इनकी यही तकरीबन तकरीबन रहती हैं। तो यहाँ से भी एक तरीके की मोटिवेशन मिली होगी। सैलरीज तो मेरे को लगता है कोई ऐसी खास मोटिवेशन नहीं है, हाँ ये रोल प्ले करती है, लेकिन बात जब एनडीए एग्ज़ाम की आती है तो प्रतिष्ठा और सम्मान की आती है, पावर की आती है, ओहदे की आती है, और ऑफिसर से बड़ा क्या ओहदा बनाया जाए, है ना। तो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा आप लोगों के लिए कि हम एक जर्नी पे चलेंगे, और जितनी अर्ली एज में आप इसमें जाएंगे उतनी जल्दी प्रमोशन होंगे, उतनी जल्दी आपको एनडीए के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बच्चों ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सब लोगों के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।